नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आप सेलर कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अली एक्सप्रेस पे या फिर ओब्रेलो ऐप में जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सेलर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपके जो स्टोर क्रिएट करना है, जो भी आप स्टोर क्रिएट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, उसके जो प्रोडक्ट हों ऑन टाइम डिलीवरी हो और अच्छे व्यू हों, उसके रिव्यू भी अच्छे हैं और अच्छे अर्निंग आपकी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे सेलर के लिए। उससे पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे ट्यूटोरियल वेबसाइट के, वहाँ पे जाके हमारे पेज को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड को यहाँ पे इनवाइट करें, ताकि उन्हें भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्टली फेसबुक पेज से भी गेट कर सकें और यूट्यूब पे भी जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे को सप्लायर जो फाइंड आउट करने हैं वो तीन तरीके के सप्लायर आपको मिलेंगे, जो कि पहला होगा अली एक्सप्रेस सप्लायर, जो कि सप्लायर आपको अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो उसके जो सप्लायर होंगे उनकी डिलीवरी टाइम है 2 to 7 बिजनेस डे, 2 से 7 दिन के बीच में वो डिलीवरी करते हैं, ठीक है, जो कि अली एक्सप्रेस पे आपको सप्लायर फाइंड आउट होंगे। दूसरे सप्लायर हैं ओब्रेलो ऐप के, जो ओब्रेलो के खुद के सप्लायर हैं उनकी डिलीवरी टाइम है 2 से 4 बिजनेस डे, ठीक है। और एक ओब्रेलो में वेरीफाइड सप्लायर, ओब्रेलो में 2 टाइप के सप्लायर हैं, हमारा एक नॉर्मल सप्लायर जो वेरीफाइड नहीं है स्टोर पे हैं, बट एक ऐसे सप्लायर हैं जो कि वेरीफाइड है ओब्रेलो की तरफ से वेरीफाइड है। तो आप सोच सकते हैं कि जो वेरीफाइड है उसकी डिलीवरी फास्ट होगी और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होगी अगर आप ओब्रेलो वेरीफाइड सप्लायर के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे अली एक्सप्रेस के सप्लायर फाइंड आउट करें और कैसे ओब्रेलो के सप्लायर फाइंड आउट करें, जो कि वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड बोथ। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ जहाँ पे ओब्रेलो ऐप है जिसमें मैं लॉगिन हूँ। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास भी ये ओब्रेलो ऐप में आप ऑलरेडी लॉगिन होंगे, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओब्रेलो के सप्लायर के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे अपने लेफ्ट मेन्यू में तो यहाँ पे आएगा सर्च प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ, जैसे नेकलेस, ठीक है, मैं एक नेकलेस की बात करता हूँ। मान लीजिए मुझे नेकलेस सेल करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब जाएंगे सर्च करेंगे इसमें तो काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे आपको। अब यहाँ पे कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं, अभी मेरी सेलिंग टू इंडिया है, मैं सेलिंग टू US कंट्री वाइज भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इंडिया में ना सेल करना है, यूनाइटेड स्टेट में करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा यूनाइटेड स्टेट। जैसे यहाँ पे करूँगा फ़िल्टर, ऑटोमेटिक ये इस कंट्री में जो जो सप्लायर हैं और जो जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं नेकलेस से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट अब मुझे सेल करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं सप्लायर फाइंड आउट करूँगा। तो जब आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को सेल कौन कर रहा है, फैशन ज्वेलरी। इस प्रोडक्ट को भी सप्लायर कौन है, फैशन ज्वेलरी। इसके भी सप्लायर कौन है, फैशन ज्वेलरी। इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो हैं वो फैशन ज्वेलरी के हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, अली एक्सप्रेस के थ्रू। यहाँ पे देख रहे हैं अली एक्सप्रेस सप्लायर है, अली एक्सप्रेस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अली एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इसके अंदर आपके ओब्रेलो के अंदर जितने सप्लायर, उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इनके किसी एक पे क्लिक करेंगे प्रॉपरली तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख जाएंगे कि इस सप्लायर के द्वारा कितने सारे प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। और अगर इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसकी रेटिंग, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी, इम्पोर्ट 7 प्रोडक्ट इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नो रिव्यू है, किसी किसी में रिव्यू है, किसी में नहीं है। तो इसमें आपको कोई रिव्यू देखे, इसमें क्या है, अली एक्सप्रेस वाले भी रिव्यू है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट की रिव्यू भी आप यहाँ से चेक करके इसको आप सेल करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ओब्रेलो के द्वारा यहाँ पे ये सेलर तो हैं, बट ये वेरीफाइड नहीं है, ये अनवेरीफाइड सेलर हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अनवेरीफाइड सेलर हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ वेरीफाइड सेलर। जैसे आप इसको बैक जाएंगे, जब हम स्टार्टिंग में हम जहाँ थे, जहाँ पे हमने सर्चिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, उसमें हम बैक जाके अगर पेज पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, नेकलेस नॉर्मली सर्च करते हैं विदाउट एनी कीवर्ड, तो जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें देखें आपको दिखाऊंगा वेरीफाइड सेलर। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट है कैजुअल वॉच वॉच की, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सेलर का नाम भी है, साथ साथ में वहाँ पे वेरीफाइड का आपको यहाँ पे देख रहे हो आइकन दिख रहा है कि ये जो सेलर हैं ये वेरीफाइड हैं, किसके थ्रू, ओब्रेलो के थ्रू ये वेरीफाइड सेलर हैं। आप इनके प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो इनकी डिलीवरी में आप देखो 3 से 12 दिन का टाइम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, डिलीवरी टाइम प्रॉपर इन्होंने डिस्प्ले करा रखा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो उसके हिसाब से डिलीवरी टाइम भी आपका मैटर करता है। तो अभी तक आपको दो टाइप के यहाँ पे सप्लायर दिख गए, एक तो नॉन वेरीफाइड जो कि मैंने अभी दिखाया, एक वेरीफाइड। नॉन वेरीफाइड का हमने प्रोडक्ट ओपन किया था, तो ये देखिए नॉन वेरीफाइड सप्लायर थे, ठीक है, जिनका हमने प्रोडक्ट यहाँ पे फैशन ज्वेलरी नॉन सप्लायर, और इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट को आप चाहें तो इंपोर्ट करके सेल कर सकते हैं, इनकी डिलीवरी कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए नॉर्मली अली एक्सप्रेस की तरह नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके दिखेगा, अगर आप ओब्रेलो ऐप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पे ऐड टू इंपोर्ट करना होगा, तो आपके प्रोडक्ट में शॉपिफाई के स्टोर में ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंगल प्रोडक्ट ओपन किया हमने उस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके सप्लायर कौन है, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट का सप्लायर आपको आपके प्रोडक्ट पे दिख जाएगा, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलीएक्सप्रेस की, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अलीएक्सप्रेस पे ऑटोमेटिक मैं चोकर नाम प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, सपोज करके मान के चलिए कि मैं चोकर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपको पता है कि जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक्सटेंशन आपको ओब्रेलो का इंस्टॉल करना पड़ता है क्रोम में, अगर आप अलीएक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ई पैकेट यूनाइटेड स्टेट यूएसडी प्रोसेसिंग टाइम भी शो करे और वो प्रोडक्ट हाइड हो जाए जिसमें ऑप्शन नहीं है, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो अब किसी भी प्रोडक्ट पे ये देखिए ओवर कीजिए, आप माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये है सप्लायर जो इस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, बट इसके और इसके सप्लायर में देखिए यहाँ पे टॉप रेटिंग का यहाँ पे इसका टॉप ब्रांड का आइकन लगा हुआ है, मीन्स कि जो सेलर है अलीएक्सप्रेस पे वो ये टॉप ब्रांड में है, मतलब इसके प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी है, इसके रिव्यू अच्छे हैं, आप देख सकते हैं इसके रिव्यू 1641 रिव्यू हैं जिसमें 5 स्टार आप 5 स्टार दिख रहे हैं, नहीं 4.8 यहाँ पे देखेंगे 4.8 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है, इसके में भी जाएंगे तो 4.9 है बट ये वेरीफाइड नहीं है। बट इन दोनों के प्रोडक्ट पे अगर हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें और इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें और इसको ओपन करें, तो आपको देखो इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर रखा है, तो इसमें आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 स्टार जो दिए हैं 4.46% ने दिया है, 4 स्टार 45% ने दिया है, 3 स्टार 5% है, तो रेटिंग के हिसाब से आप यहाँ पे इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हैं कितने ऑर्डर ये प्रोडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी फीडबैक को यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या फीडबैक है सेलर के लिए, यहाँ पे शिपिंग ए पेमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं, क्वांटिटी के लिए सारी चीज़ क्या है, शिपिंग डीएचएल सर्विस क्या है, कितने दिन की डिलीवरी होगी, ये सारा टाइम एस्टिमेशन देख के आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलर की गारंटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिटर्न पॉलिसी क्या है आपका, ऑन टाइम डिलीवरी का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे इनका जो रूल्स हैं वो सारे आप फाउंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल आप जाएंगे चेक करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल पे भी आप देख रहे हैं, सेलर डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आपको दिख रही होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी प्रोडक्ट इम्पोर्ट करने से पहले, सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी और आप सोच समझ के इसको इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लायर, वेरीफाइड सप्लायर और सेलर, ये अली एक्सप्रेस के सप्लायर में क्या डिफरेंस है, ओब्रेलो के सप्लायर जो हैं और अली एक्सप्रेस के सप्लायर इनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम इस देखेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ओब्रेलो.co.uk में
इन्होंने एक आर्टिकल ऑलरेडी, इनका मतलब आर्टिकल के ही वेबसाइट में इन्होंने ये चीज़ें बता रखा है कि क्या डिफरेंस है अली एक्सप्रेस के सप्लायर में और ब्रेलो के सप्लायर में। जब यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, वाई ओ ब्रेलो वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब क्या हो गया, वेरीफाइड से ये चीज़ शो करता है कि इसकी शिपमेंट ऑन टाइम होगी, परफॉर्मेंस अच्छा है, फास्ट सपोर्ट मिलेगा और केयरफुली वोटेड हैं, मतलब इनके जो वोटिंग बहुत अच्छी है, रेटिंग अच्छी है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फीचर्स, कि सप्लायर के फीचर्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है अली एक्सप्रेस में और ब्रेलो के नॉन वेरीफाइड और वेरीफाइड सप्लायर में। अब ये देखेंगे ह्यूज कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस में भी है, ब्रेलो सप्लायर में भी, वेरीफाइड में भी है। बट ऑपरेशन चेक बाई ओब्रेलो, कि ओब्रेलो के थ्रू चेक कि क्या प्रोडक्ट की स्टेटस है, क्या है, ये अली एक्सप्रेस में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ओब्रेलो के सप्लायर के पास मिलेगी, वेरीफाइड सप्लायर के पास मिलेगी। वेयर हाउस भी चेक कर सकते हैं ओब्रेलो का, बट अली एक्सप्रेस का यहाँ पे नहीं चेक कर सकते आप। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन चेक बाई ओब्रेलो, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओब्रेलो नॉन वेरीफाइड और वेरीफाइड बोथ में, लेकिन अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट की आप चीज़ें यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अली एक्सप्रेस का सारा प्रोसेस उसकी वेबसाइट पे, उसके ऑर्डर हिस्ट्री जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ऑर्डर फुलफ़िल होता है, उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उस प्रॉपर दिखाया गया है कि कैसे आपका ओब्रेलो पे आपके ऑर्डर आते हैं, फिर उस ऑर्डर को हम अली एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक कैसे शिप किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, आप नॉलेज लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है अली एक्सप्रेस, ओब्रेलो और वेरीफाइड सप्लायर में। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे है। जैसे आपका जो भी ऑर्डर प्लेस होता है ओब्रेलो ऐप में, आपको यहाँ पर ऑर्डर दिख जाता है और यहाँ पर आप ट्रैकिंग कोड आपको मिल जाती है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर यही ऑर्डर, सेम ऑर्डर आप ऑटोमेटिक आपका हो जाता है अली एक्सप्रेस के अंदर, जहाँ पर चीज़ें आपको दिखती हैं कि ऑर्डर हुआ है, कब हुआ है, एस्टिमेट डिलीवरी टाइम क्या है, यहाँ पे स्टेटस क्या है, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जब ये ऑर्डर फुलफ़िल होता है तो अली एक्सप्रेस के थ्रू यहाँ पे एक जो होता है इसकी मार्किंग, मतलब इसकी स्टेटस चेंज किया जाता है, मार्क एज सप्लाइड, मतलब कि ये ऑर्डर अब सप्लाई हो चुका है। तो ये स्टेटस इनकेस हैं जो अली एक्सप्रेस के द्वारा फुलफ़िल किया जाता है। जब ये चीज़ें जैसे जैसे फुलफ़िल होती हैं, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होती रहती हैं आपके ओब्रेलो जो प्रोडक्ट ऑर्डर है उसके साथ। तो आप इस तरह से इस चीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सप्लायर का फाइंड आउट करना। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आप सप्लायर फाइंड आउट करेंगे और कैसे गेट करेंगे ओब्रेलो में सप्लायर और अली एक्सप्रेस के सप्लायर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मैं आप जितना हो सकेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आज के लिए यहीं रुकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।